त्रिपुरा में कांग्रेस और सीपीएम का बेमेल गठबंधन और ममता बनर्जी की सियासत दोनों की हवा निकल गई और बीजेपी ने सत्ता को बचाए रखा। नागालैंड में भी बीजेपी गठबंधन की सत्ता में वापसी हुई। नागालैंड में बीजेपी फायदे में रही और सबसे बुरी हालत कांग्रेस की हुई। कम्युनिस्टों के लिए भी चुनाव के नतीजे अच्छे नहीं रहे। ममता बनर्जी को काफी हाथ पांव मारने के बाद नागालैंड में कुछ सीट्स हाथ लगी। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर के तीनों राज्यों के चुनाव परिणाम उनकी उम्मीदों से अलग हैं। ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का कहना है इन चुनाव परिणामों को पूरे देश के नजरिए से देखना गलत होगा, इसे पूरे देश का रुझान कहना भी सही नहीं है। ये जीत भाजपा की नहीं बल्कि उनके प्रचार की जीत है। श्रीनेत ने ये भी कहा कि पूर्वोत्तर के राज्यों के चुनाव परिणाम इस बात पर तय करते हैं कि केंद्र में किसकी सरकार है। कांग्रेस नेता भाजपा की इस जीत को उनके प्रचार की जीत बता रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस ने इन तीनों राज्यों में चुनाव प्रचार नहीं किया? यदि प्रचार नहीं किया तो फिर चुनाव मैदान में उतरने का क्या मतलब था? यदि प्रचार किया तो फिर हार और जीत के बीच की कड़ी को प्रचार बताकर कांग्रेस अपनी ही खामियों को क्यों उजागर कर रही है? असल में कांग्रेस के चुनाव प्रचार को लेकर कई राजनीतिक विश्लेषक भी सवाल उठा चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का ये कहना है कि आखिर राहुल गांधी ने इन राज्यों में प्रचार क्यों नहीं किया? क्या कांग्रेस राहुल गांधी को इस लायक नहीं मानती, या फिर राहुल के लिए चुनावों में हार जीत से कहीं अधिक महत्वपूर्ण उनकी भारत जोड़ो यात्रा थी? राहुल गांधी ने मेघालय में एक रैली जरूर की थी, लेकिन त्रिपुरा जैसे राजनीतिक और रणनीतिक रूप से अहम राज्य से कांग्रेस के दिग्गज नेता गायब थे। वास्तव में न केवल राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी भी त्रिपुरा से नदारद रहे। दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त बीजेपी के नेता चुनाव प्रचार कर रहे थे, उस वक्त प्रियंका और राहुल गुलमर्ग में बर्फबारी का मजा ले रहे थे। ये हालत तब थी जब राहुल खड़गे और प्रियंका का नाम स्टार प्रचारकों की सूची में था। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने के लिए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू समेत कई बड़े चेहरे इन चुनावों के दौरान रैलियां करते नजर आए। पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए प्रयासों को देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2017 के बाद से 47 दौरे किए और ये एक ऐसा आंकड़ा है जो पूर्वोत्तर के इतिहास में सबसे अधिक प्रभावित करने वाला है। दरअसल आजादी के बाद से किसी भी प्रधानमंत्री ने इतने दौरे नहीं किए जितने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए। 5 सालों में किए गए ये दौरे हैं। चुनाव से पहले भी पीएम मोदी ने त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में 3 बड़ी रैलियां की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।